ये साल्ट मार्च के लिए आपको तैयार होना है। साल्ट मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ साल्ट मार्च आई एम गिविंग अंडर दिस हेडिंग के अंडर में आई एम गिविंग यू 5 पॉइंट्स, 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दिस विल मेक क्लियर एवरीथिंग अबाउट साल्ट मार्च। वाई गांधी जी चोज साल्ट साल्ट ओनली टू डिफाई द लॉज। एक्चुअली साल्ट एक ऐसी चीज है विच इज कंज्यूम्ड बाई बोथ पुअर एंड द रिचेस, सो इट इफेक्ट एवरीबडी। तो साल्ट मार्च सिविल डिसोबीडियंस के अंडर में आया था। तो क्या हुआ था, गांधी जी when he wrote letter to the Irwin for different giving him a letter of for fulfilling their different demands, he denied. Then Gandhiji started, number one, Gandhiji started his salt march with 78 volunteers on 20 March 1930, keep the date. Number two, he started it from Sabarmati and after covering 240 miles ended at Dandi. Number three, he covered 24 days at the rate of 10 miles per day. देखिए गांधी जी कितना तेज चलते थे, 10 miles per day. This is 1 mile is almost equal to 1.6 kilometer. तो what we can say, 10 mile is almost 16 kilometer he used to run one day. अब you can imagine कि he has to had a meetings in different places. Number four point, thousands of people used to assemble to listen him. He told people about Swaraj and asked them to disobey Britishers peacefully. This is very important. उन्होंने लोगों से कहा कि भैया शांतिपूर्वक लोगों का अपोज करो, इनके रूल्स को डिसओबे करो। ऑन फिफ्थ पॉइंट, ऑन 6 अप्रैल, स्टार्टेड इन 12 मार्च, ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी, डांडी इज द प्लेस, एंड बेड सॉल्ट आफ्टर बॉइलिंग द वाटर एंड वॉयलेटेड द लॉ, लॉ को तोड़ा। अब लॉ क्या था, लॉ ये था कि नोबडी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये थी कि कोई सॉल्ट नहीं बना सकता, सॉल्ट का प्रोसेस इतना बड़ा नहीं होता है। तो वॉट गांधी जी डिड, he took the water from salty water from the sea and boiled it and after evaporation salt was made. ye 5 points you have to keep in mind. Up next question we will discuss today, how was NCM, non cooperation movement, different from CDM, civil disobedience movement? This is a short answer question. How was NCM different from CDM? This is वन पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट में आई एम गिविंग इट एंड द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू कैन, इफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक कि डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट हैपेंड देयर ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो दैट इज द आंसर ओनली। सो एज आई हैव टोल्ड यू इन SST, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड इट थरली, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली द क्वेश्चन इज सेइंग। इफ यू विल गेट इट, मी आई हैव टोल्ड यू कि डिफरेंट स्टेटमेंट कैन बी देयर बट द आंसर विल रिमेन सेम। सो हाउ वॉज NCM डिफरेंट फ्रॉम CDM? नंबर वन, इन NCM द पीपल आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट। NCM में केवल ये बोला गया था कि डोंट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, कोऑपरेट मत करो। बट इन CDM दे वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन नॉन, बट ऑल्सो टू ब्रेक द लॉज, कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करने के लिए भी CDM में बोला गया था। सेकेंड पॉइंट है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेड सॉल्ट थ्रू आउट द कंट्री विच इज द वॉयलेशन ऑफ कॉलोनियल लॉ, तो CDM में लोगों ने यह किया। नंबर थ्री, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉटेड, दैट हैपन देयर ऑल्सो, एंड द लीकर शॉप्स वर पिकेटेड।
Number four, people refuse to pay revenue and chowkidari taxes. Tax hota tha, chowkidari tax. Village officials resign. Again, the village officials, gaon mein jo kaam karte hain, jungle ki protection jo karte hain, they resigned. Number four, the forest people violated forest laws. In NCM, we have told you na ki the Britishers actually denied the entry of the forest people, the tribals, into the jungles. They were not allowed to go to the jungles for collecting their fuel wood, collecting grass for their kettles. They were not allowed to graze their kettles in the jungles. So the forest people and tribals violated forest laws, entered into reserve forest for collecting fuel and fodder for the kettle. Next topic, next video ke saath, phir aapke saamne honge.